माँ को छोटी से पुटरिया बांधी कपड़े में चना दे दिए और कहा जब भूख लगा तो तुम दोनों भाई बरबाद के खा लेना। चल दिया। चलते चलते बयाबीन जंगल में पहुंच गए। कन्हैया वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, सुदामा नीचे है। कन्हैया लकड़ियों को तोड़ तोड़ के डालते हैं, सुदामा एकत्र इकट्ठे करता है। लेकिन अचानक आंधी और तूफान आ गया। जब आंधी और तूफान साथ में बारिश आ गई, तेजी से बारिश होने लगी। अब सुदामा को सर्दी लगने लगी और जो हाथ में चना लेके आया था वकी नियत खराब हो गई। कहने लगा हमें बहुत तेज भूख लगी, अगर ये चना कन्हैया खाएगा हम भी खाएंगे तो न तो जाको पेट भरेगो न मेरो भरेगो, क्या करना चाहिए। ऐसो ना कहना कि जिन चना को हम ही खाए ले। ये सुदामा का विचार हुआ कि ऐसा ना करे, इन चना को हम ही खा लें। और ऐसा सोच के विचार उसने अपना बना लिया। जब विचार किया तो पोटली को खोला, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। और बा प्रभु से कहा छिपो जगे हाथ बिछ की डोरी। पेड़ पर चढ़े हुए भगवान घटघट के बासी कन्हैया सब कुछ समझ गए कि सुदामा क्या सोच रहा है। चना के पोटली को खोला और मन में विचार करके आरे लगी रही भारी ठंड, सुदामा को भूख लगी भारी। भूख लगी भारी, और तवली ने चना चबाए समझ गए मन में गिरधारी। समझ गए अरे सुदामा दर दर भटक गो, तो मांगे मिले नभी तक बादल बैठ के रोवे गो। श्राप दे दिया इन दोनों लोगों ने। केवल 64 दिन विद्या को अध्ययन किया और 64 दिन के बाद कन्हैया सुदामा अलग अलग हो जाते हैं। शुभ कर्मों से कन्हैया द्वारकाधीश राजा हुए, अशुभ कर्मों से सुदामा की सुशीला नाम की लड़की से शादी हुई। और जिस दिन से शादी हुई श्राप लगा हुआ था, दिन के दिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती जा रही है। समय बीतने के अनुसार सुदामा की संतान भी है, लेकिन सुदामा का आज वो हाल है कि सुदामा के आंगन में 3-3 दिन तक भोजन नहीं होता। इतनी बड़ी गरीबी आ गई, सिल पर एक भी बाल नहीं है सुदामा के। अब एक दिन रात सुदामा केवल कृष्णा कृष्णा नाम लेते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि महाराज आप ये बताओ, ये हर वक्त आप कृष्णा कृष्णा नाम लेते हैं, ये कौन है और ये किसका आप नाम लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो कहने लगी कि आप हमें बताओ।
तो सुदामा ने अपने बचपन का कपट बताया। किसी को अपनी पत्नी को पत्नी से कि मैंने तू तो कर्म की खोटी है, पाप तो मैंने किया था सुशीला, तुझे तो मेरे साथ में भुगतना पड़ रहा है। जवाब दिया, बचपन में मैंने कृष्ण द्वारकाधीश कन्हैया का नाम है जो त्रिलोकी नाथ हैं। तो सुशीला ने कही, महाराज जो अब तो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर दुखड़ा रहे वो नहीं क्यों, जो तो बहुत सुंदर बात है, जो तुम्हारे मित्र त्रिलोकी कन्हैया हैं, जो बिल्कुल तुम्हारे खास हैं, अरे वो दया के सागर हैं, आप उनके पास चली जाओ। एक सुदामा ने कहा, हम उनके पास चले जाएं, अरे तुझे नहीं मालूम है गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सुशीला कैसी बात कर रही हो, गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा ने पत्नी की बात को सुनकर और जवाब दिया कि सुशीला कहाँ है गई बाबुरी नारी, ओ नारी को पूछत बात गरीबी में, सुशीला ने कहा नहीं महाराज, मुझे मालूम है कन्हैया दया के सागर हैं
और वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। तो कन्हैया की बात जब कही तो सुदामा सुशीला से बोले, अति दूर यहाँ से द्वारका, अति दूर यहाँ से द्वारका, वाहन सवारी है नहीं, कपड़े नहीं मेरे गात में, मेरे पैन में पन ही नहीं। सुशीला को समझाते हुए बोले, वो कृष्ण तो धनवान है, मन जाने ध्यान ना धरे, वो दीन निर्धन जान के आदर करे मेरो ना करे। सुशीला मैं नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं मालूम है कन्हैया धनवान है।